हम पढ़ेंगे बरसा, ठीक है। तो बरसा क्या करते हैं, बरसा जो साइनोवियल सीथ की लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें मतलब एक बैग लाइक है, बैग है उसमें ना साइनोवियल फ्लूड भरा है, तो वो एक ये बैग हो गया ऐसा, ठीक है, जिसमें साइनोवियल फ्लूड भरा है। तो ये बैग क्या करेगा, ये कवर कर लेगा टेंडनों को, ठीक है। मान लो यार ये मेरा टेंडन है पूरा, इसको ऐसे ये बैग ने कवर कर लिया, पतला सा बैग है, ठीक है। तो अगर बैग को अपन पतला कर देंगे, बलून को चिपका देंगे, तो लेयर बन जाएगी वो, तो साइनोवियल सीथ की लेयर है, ये कवर कर रही है ऐसे टेंडनों को, ठीक है। अब टेंडनों को ऐसे ऐसे कवर करती है ऐसे, ठीक है। तो एक जो बिल्कुल जो इससे चिपक के जो लेयर चल रही है वाली, दिस विल फॉर्म द विजिटर लेयर, ये जो पीछे रहेगी वो बना देगी पैराइटल लेयर। फिर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देख बताता हूँ, ठीक है। मान लो अगर ये बैग है, ठीक है, इसमें अपना ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको अलग कलर से बनाते हैं, दिस इज द हार्ट, ठीक है। तो ये बैग में घुस रहा है, तो ये बैग में जैसे जाएगा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसे और कवर करवा देते हैं, ठीक है। ये अब जो ये बिल्कुल ये वाली लेयर जो बनेगी, दिस इज द विसरल लेयर, ये वाली जो लेयर बनती है, दिस इज द पेराइटल लेयर। अभी मैंने आपको पेरिकार्डियम बता दिया, पेरिकार्डियम की दो लेयर रहेंगी, विस्कर लेयर और पेराइटल लेयर। वो ऐसे जो पेरिकार्डियल सैक रहेगा वो कवर कर लेगा ऐसे हार्ट को। तो ऐसे ही जो टेंडन है, ये टेंडन है, टेंडन को कवर कर रही है अपनी साइनोवियल सीथ, ठीक है। साइनोवियल सीथ की एक लेयर बन जाती है विस्कर लेयर, और एक लेयर बन जाती है पेराइटल लेयर। दिस साइनोवियल सीथ इज कॉल्ड द बर्सा, ठीक है। अब बरसा में अपन पेपर लेते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अपने टेंडन पास होते थे। तो मैंने पहले बताया था कि एक ऐसा बैंड बनाना है, इसकी एक अपन को लेटरली स्लिप बनाना है, लेटरली बनाना है थोड़ी नीचे, और मीडियली बनाना है ऊपर। ये मीडियल है, इधर से अल्नर नर्व एंड वेसल्स को पास होना है, वो थोड़ी ऊपर से होंगी, ठीक है। और इधर नीचे से अपना एक टेंडन पास होना है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियल इसका। और फिर जो अंदर बसता है, इधर चार टेंडन दे देते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसके, फिर इसके अंदर देते हैं चार टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और एक इसके लिए टेंडन आएगा इधर से, फ्लेक्सर एलुसिस फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो एक जे हो गया और चार जे, तो जो चार वो कवर करता है एक बरसा, वो बरसा होता है अल्नर बरसा, ठीक है। और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए अलग से बरसा होता है, वो होता है रेडियल बरसा, ठीक है। इसको ऐसे थ्री डी ऐसे देख लेते हैं अपन के, जो फ्लेक्सर इसके लिए एक वर्षा आ रहा है रेडियल वर्षा, इनके लिए वर्षा आ रहा है अल्नर वर्षा। फिर जो ये छोटी छोटी अपनी जो डिस्टल फैलेंजेस हैं, इधर भी है ना वर्षा प्रेजेंट होता है, वो वर्षा बरसे हुए हैं, उन वर्षा से बोलेंगे डिस्टल साइनोवियल सीथ, ठीक है। डिस्टल साइनोवियल वर्षा जो हो गया, कौन सा वर्षा, अल्नर वर्षा, ये वर्षा हो गया रेडियल वर्षा, ठीक है। रेडियल वर्षा कहाँ केस को कवर कर रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, ये वाले किसको कवर कर रहे हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम, ये वाले कर रहे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स को, ठीक है। एंक्लोज टेंडन्स बाय साइनोवियल सीथ, और मीडियल एंड पे जो है ये कनेक्ट हो रहा है ये डिस्टल साइनोवियल सीथ ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। तो अपन को याद रखना है मीडियल मीडियल एंड इट इज कंटिन्यूस विद द साइनोवियल सीथ ऑफ लिटिल फिंगर, ठीक है। ये कनेक्टेड रहता है, इसलिए अपन इधर प्रिक नहीं करते, क्लिनिकल में लिख सकते हैं लिटिल फिंगर इज नॉट यूज फॉर प्रिकिंग बिकॉज एनी इन्फेक्शन विल बी स्प्रेडेड टू अल्नर वर्सा, ठीक है। ऐसे ही अंगूठे के इधर भी नहीं करते, ठीक है। अब ऐसे ही अपन देख लेते हैं, जो रेडियल वर्सा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को के टेंडन को कवर करता है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक करते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के थोड़े दूर तक एक्सटेंड एक्सटेंड करते हैं ये। इंडिविजुअल दो सीथ हैंगी, और जिस सीथ अलग है डिस्टल फेलेंजेस वाली, ठीक है। इस प्रकार से हमने वर्षा पढ़ ली, ये वर्षा में एक ये डायग्राम बना दो, एक ये डायग्राम बना दो, इतने तो मास्टर खुश हो जाएगा, एक जी बना दो लेयर वाला, ठीक है। गुड डे।